हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। एंड अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है भाई, तुम मेरी तरह कार्टून फैंस हो। एंड अगर तुम कार्टून फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है भाई। सिंपल सी बात है, जो लोग कार्टून पसंद है वो मुझे पसंद है क्योंकि कार्टून मुझे भी पसंद है। एंड ऐसे ही बहुत सारे कार्टून के ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो कि हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि जियान और नोबिता के पापा का चेहरा सेम लगता है और जियान के पापा कभी दिखाई भी नहीं गया है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि जियान के पापा नोबिता के पापा ही हो सकते क्या सा? और जितना मेरे को पता है, शिजुका के भी पापा दिखाए नहीं गए हैं भाई। एक दो एपिसोड में दिखाए गए होंगे बट पता नहीं भाई ये किससे छुपा रहे हैं ये सब। और हाँ, निंजा थोड़ी के बाल देखे तुमने भाई? एक एपिसोड में तो सारे लोग लग गए थे उसके बाल देखने के लिए बस, बट नहीं, फिर भी कोई नहीं देख पाया भाई। मैं तो टुकुर टुकुर देख रहा था वो वाला एपिसोड की हाँ अब दिखेंगे अब दिखेंगे अब दिखेंगे भाई। एंड तक नहीं दिखे उस एपिसोड में। तुम सोचो, एक बच्चे का दिल तोड़ दिया था उस दिन उन्होंने। मतलब पता नहीं मेरे से कितने बच्चे होंगे बट मेरा टूटा था। तो ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स आज हम लोग जाने वाले हैं। तो हाँ, लेट्स गो भाई। मैं सीरियसली एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। Okay. देखो, डोरेमोन, सिंचन, सिम्पसन जैसे एनिमेशन कार्टून तो आप बचपन से ही देखते आए हो, बट फिर भी भाई मैंने सिम्पसन नहीं देखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों, मुझे अभी पता लग रहा है ये फेमस है थोड़ा सा। तुम लोग बताओ, तुम में से किसने और नहीं देखा हुआ है? उनमें बहुत से ऐसे मिस्टीरियस चीजें होती हैं जिन पर आपने शायद ही कभी गौर किया होगा। लाइक डोरेमी एंड डोरेमोन रोबोट्स हैं तो वो आखिर भाई बहन कैसे हैं? एंड अगर डोरेमी डोरेमोन की बहन है तो फिर आखिर उसके पेरेंट्स कौन हैं? ओ भाई, ये मैंने कभी नहीं सोचा। वही ना, दोनों रोबोट है भाई बहन, तो सारे रोबोट ही भाई बहन हो गए फिर तो। ओ इंटरेस्टिंग, उसके पेरेंट्स कौन है? सिंचन के सीक्रेट लव का क्या माजरा है? और जियान का फेस ये क्या फोटो है भाई? सिंचन खड़ा हुआ है ये फिर व्हाट भाई, आज बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। और जियान का फेस नोबिता के डैड से क्यों मिलता है? तो यार exactly. आज के इस फन से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन सब मजेदार क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में जानते हैं। Let's go, चलो। और मुझे यार वो शायद आपको पता नहीं होगा बट अमेरिका में जहाँ सुनियो के फादर को कुछ ऐसी मूंछों के साथ दिखाया जाता है तो वहीं जापान में कुछ ऐसी छोटी मूंछों के साथ। लेकिन इसका रीजन बताने से पहले मैं आपको डेकीसुगी के फादर से मिलाना चाहूंगा। तो डेकीसुगी के फादर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनका नाम तो हमें अब तक नहीं बताया गया है बट उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता है कि वो रोजाना नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में ऑफिस के लिए जाते हैं। एनिमे में इनकी अपीयरेंस बहुत ही कम दिखाई गई है, जस्ट लाइक डेकीसुगी की वाइफ की तरह, जिसको 1979 में ऐसे 2000 डेकीसुगी की वाइफ तो मैं देखी है भाई, सबकी वाइफ में ही देखी है लग रहा है मैंने, जिसको 1979 में ऐसे, 2005 की एनिमे में ऐसे एंड वही फिर से 2005 की रीमेक एनिमे में कुछ ऐसे दिखाया गया था। एंड अनलाइक नोबिता एंड शिजुका, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं बल्कि बड़े होकर ये एक स्पेस प्रोजेक्ट के दौरान मिलते हैं। सही है भाई, डेकीसुगी सही खेल रहा है भाई, उसका गोल ही नहीं था शिजुका, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो मैं तो कोई और बना लूंगा। मतलब यार जस्ट लाइक डेकीसुगी, मिसेस डेकीसुगी भी काफी ब्रिलियंट है। वैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? अरे हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको सुनियो के डैड के मूंछों के बारे में बताया तो उसका बेसिकली रीजन ये था कि ये छोटी मूंछें अमेरिका में इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ये हिटलर को रिप्रेजेंट करती है और इसलिए इसे अमेरिकन टेलीविजन पर चेंज कर दिया गया था। एंड यार अगर कभी डेकीसुगी के फादर का भी अमेरिकन टेलीविजन पर अपीयरेंस होता तो उनका भी यही हाल होने वाला था भाई। या तो वैसे ही लगा देते यार, सुनिए कि पापा की लगाई है। हमारे वाले पे कैसा आता था? हमारे वाले पे हाँ, हमारे वाले पे तो वैसे ही आता था जैसे नॉर्मल था, चेंज नहीं हुआ था। तो जब मैंने पिछली बार ये एनिमे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें तुम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि भाई जियान का फेस नोबिता के डैड से इतना क्यों मिलता है। भाई देखो, वो इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि अब तक तुमने जियान के फेशियल फीचर्स को सिर्फ नोबिता के डैड से मिलाया है। अब जरा एक बार तुम लोग जियान के फेस को उसके रियल डैड से एक बार मिला के देखो, सेम स्किन टोन, सेम बटन आईज, भाई यहाँ तक कि दोनों ने सेम कलर के टी शर्ट भी पहन रखे हैं। अबे यार, यही है जियान के असली फादर। एंड नोबिता के डैड के ऊपर अब ये गलत आरोपों को लगाना बंद भी कर दो। लेकिन भाई मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो लगता है दिखने में भी कर दो। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी हिटलर की मुझे ओ भाई, ये भी चेंज कर दिया होगा फिर तो अमेरिका वालों ने वाइट फुजिको। यार अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन को किसने बनाया है तो आप झट से बोलोगे जापान के फुजिको फुजियोज ने। बट अगर आप डोरेमोन के तगड़े वाले फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन का मेन आइडिया फुजिको ए फुजियो मतलब इनका था। बट हाल ही में दूसरे फुजिको ए फुजियो के डेथ से पहले उन्होंने 2019 के एक इंटरव्यू में ये माना था कि 1980s के आने तक मोस्टली जापानीज लोग उनको ब्लैक फुजिको एंड डोरेमोन के मेन क्रिएटर को व्हाइट फुजिको कहकर बुला। अच्छा ओके,
ओके लाइक पता है पहले मैं सोचता था कि ये बहुत सारे कार्टून जैसे डोरेमोन हो गया, कितरेत्सु हो गया, निंजा थोड़ी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट इसमें थोड़ी थोड़ी वाइब एक ही आती है कि एक बंदा है जो पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, किसी काम में अच्छा नहीं है, फिर एक बंदा है जो उसकी हर चीज में हेल्प करता है, जैसे कि डोरेमोन हो गया, निंजा थोड़ी हो गया, और कितरेत्सु में एक्चुअली कितरेत्सु ही हो गया, वो छोटा वाला रोबोट तो कुछ काम करता नहीं था उसका। फिर बाद में जाके मेरे को समझ आया कि इन सब के क्रिएटर सेम है, इसीलिए स्टोरी थोड़ी सेम ही है भाई। मेरे बच्चों ने यार सही में लगता था कि अगर डोरेमोन वगैरह असली में होते हैं। मैं किसने डिज्नीलैंड के बारे में और बता दिया था, तो हाँ डिज्नीलैंड की मेरे पास आधी अधूरी जानकारी थी कि डिज्नीलैंड में डोरेमोन होता है, वो भी नकली होता है ये किसी ने नहीं बताया था, होता है ये किसने बता दिया था। तो हाँ मेरा सपना था भाई डोरेमोन से मिलके उससे उसकी पॉकेट मांगनी है, बस लाइफ की सारी दिक्कतें सॉल्व। अब आगे पता लग रहा है कि डोरेमोन है ही नहीं असली में, लाने लगे थे। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर क्यों? तो देखो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो डोरेमोन के बहुत से एपिसोड्स आपने जरूर से देख रखे होंगे। अब उन एपिसोड्स में आपने ये जरूर से गौर किया होगा कि डोरेमोन में बाकी जापानीज एनिमे के मुकाबले हॉरर चीजें, डेथ एंड बेकार के सीन्स बहुत ही कम दिखाया जाता था, एंड इन सभी का ही क्रेडिट जाता है डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो यानी कि व्हाइट फुजिको को, जो कि अपने सारी एपिसोड्स को बच्चों के लिए एकदम प्योर एंड क्लीन रखना चाहते थे। वहीं और ब्लैक फुजिको यानी कि फुजिको एफ फुजियो, उनका थोड़ा अलग सोचना था, वो अपने एपिसोड्स में हॉरर से लेकर थोड़ा ब्लड ये सब सभी दिखाना चाहते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आगे चलकर लेट 80s में उन्होंने अपने 50 सालों के पार्टनरशिप को तोड़ दिया था, बट फिर भी आखिर थे तो वो बचपन के दोस्त ही ना, तो वो अपने आखिरी समय तक भी काफी क्लोज रहा करते थे डोरेमोन की फैमिली। तो देखो यारों, आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डोरेमोन एक रोबोट है, तो आखिर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल कैसे है? रोबोट आखिर आपस में भाई बहन कैसे हो सकते हैं? जैसे ये रोबोट भाई बहन है, वैसे ही डोरेमोन के कोई पेरेंट्स भी है क्या? तो देखो यहाँ पर विकिपीडिया का लिस्ट ऑफ डोरेमोन कैरेक्टर्स का पेज हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता हुआ दिखता है। इस पेज के अकॉर्डिंग जब डोरेमोन एंड डोरेमी को बनाया गया था तो उन्होंने एक ही कैन से आधा आधा तेल शेयर किया था। अब यार इस लॉजिक के बाद मैंने डोरेमोन के मदर एंड फादर के बारे में जाने की कोशिश की, बट डोरेमोन के पेरेंट्स को सर्च करने पर मुझे बार बार नोबिता के ही पेरेंट्स रिजल्ट में शो हो रहे थे। जब एक वेबसाइट से पिंक कलर की एक डोरेमोन जैसी कोई कैरेक्टर मिली भी तो वो डोरेमोन की फर्स्ट ग्रीडी लव यानी कि डोरा माया को निकली। हाँ वो ये डोरेमोन के भाई गर्लफ्रेंड थी जिसने डोरेमोन को तब छोड़ दिया था जब चूहे उसका कान खा गए थे। वैसे मेरे ख्याल से नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन को जितना प्यार करते हैं शायद ही डोरेमोन को उसके पेरेंट्स की कभी नीड भी फील। भाई डोरेमोन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि डोरेमोन के कान चूहे खा गए तो उसकी गर्लफ्रेंड ने तो छोड़ दिया। भाई रोबोट भी सारे सेम ही है इंसान जैसे, ये लड़कियां मुश्किल वक्त भी छोड़ दे रही हैं। तो यार अगर आप टेक न्यूज में इंटरेस्टेड रहते हो तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि जल्दी मार्क जुकरबर्ग चचा ने थ्रेड्स नाम की एक ऐप लॉन्च की है जो कि ट्विटर की कॉपी है, बस यहाँ पर चिड़िया के जगह पर कोई और एट अ रेट ऑफ जैसा लोगो है। बट क्या आपको पता है कि 30 से भी ज्यादा प्रिडिक्शन करने वाले हमारे फ्यूचर बाबा ने थ्रेड्स का भी प्रिडिक्शन कर दिया था, वो भी अपने भाई सिम्पसन में ना, लाइक काफी सारी चीजें हैं जो की बाद में जाके सही साबित हुई है। जितनी मैंने वीडियोज वगैरह देखिए उनसे मुझे ये पता लगा है सिम्पसन एक कार्टून है, एंड वो शायद तुम्हें ये सब पता हो, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी को नहीं पता होगा तो देखो मैंने बता दिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया। तो अभी देखते हैं आगे सिंचन और काजामा। देखो यार आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा सिंचन कितना सिग्मा मेल है। पापा गई, मैं भी घर आ गया। सिंचन तुम क्या लिख रहे हो? ये मैं देखा और यारो सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं बल्कि सिंचन सिग्मा मेल की तरह लड़कियों पर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, चाहे वो फिर कोई गरीब लड़की हो या फिर स्कूल की सबसे अमीर ही लड़की क्यों ना, हमारा सिग्मा सिंचन किसी को भाव नहीं देता। लेकिन अगर वो लड़कियों को भाव नहीं देता क्या इसका मतलब ओ व्हाट भाई ये क्या दिखा रहे हैं? Well, जब मैं इस थ्योरी वाली वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो ये इमेज मुझे एक फॉरेन की वेबसाइट से मिली जिसमें इन दोनों के ढेर सारे पिक्चर को लगाकर ये लिखा हुआ था सिंचन सीक्रेट लव। अब जो भी इन इमेजेस को पहली बार देखेगा उसको भी एक गलत फहमी होगी कि सिंचन काजामा में इंटरेस्टेड है। भाई जापान एंड हमारे इंडिया में भी एक बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है और वो है दोस्त के मजे लेना, एंड इन इमेजेस में भी हमारा सिंचन काजामा के साथ वही कर रहा है। और अभी भी जिनको सिंचन पर शक है ना उनके लिए ये क्लिप है। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं ठीक से धो, तुम अपना काम करो। वैसे सिंचन एंड हिज फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपके लिए ये बोनस इमेज है जो मुझे एक जापान की वेबसाइट से मिली थी। वेट इसमें सब दिख रहा है कौन किसके पापा है ना, मतलब पूरा फैमिली ट्री वगैरह। तो देखो ये है मिक्सी नोहारा, ये है इसका क्या नाम था
अबे इसका नाम भूल गया मैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसके देखो मम्मी पापा ये गए, इसका एक भाई और है, और इसकी और मिक्सी की मम्मी पापा ये गए, इसकी दो बहनें और हैं। ओके ओके ओके। फिर इनका बेटा है शिनचैन और हिमावारी, और ये कुत्ता आया इधर से। भाई यहाँ पे सब समझ आ रहा है यार, तुम देख रहे हो सबके मम्मी पापा बच्चे बुच्चे। बस क्या करना क्या है मुझे बहुत है भाई, इतना नहीं समझना। तो यार क्या आपको कार्टून्स के पायलट एपिसोड्स के बारे में पता है? पायलट एपिसोड? भाई नाम तो सुना सुना लग रहा है, पर ये क्या भला है? भाई पायलट एपिसोड किसी भी कार्टून का वो पहला एपिसोड होता है जो कोई भी कार्टून प्रोडक्शन कंपनी कार्टून के ओरिजिनल क्रिएटर से तब बनवाती है जब उनके चैनल पर ये टेस्ट करना होता है कि ये कार्टून चलेगी या फिर नहीं। और भाई कई पॉपुलर कार्टून्स के पायलट एपिसोड लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड नॉस्टैल्जिक होते हैं। समझ गया। मान लो अगर मेरे को एक कार्टून टीवी पे दिखाना है तो मैं ऐसा टीवी पे कुछ एपिसोड पहले दिखवाऊंगा, इससे मुझे पता लगेगा क्या लोग देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते। उनको कहते हैं पायलट एपिसोड। मुझे समझ आ गया कि तुम स्मार्ट हो, तुम लोग भी स्मार्ट हो, तुम्हें भी समझ आ गया। जैसे बेंटन की जब पहली बार पायलट एपिसोड को बनाया जा रहा था तो आप देख सकते हो कि उसमें बेन और ग्वेन कितनी ज्यादा अलग दिख रहे हैं। मतलब भाई बेन के फेस में तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बट भाई ग्वेन भाई से तो पूरा ही चेंज कर डाला गया है। और जैसे बेंटन के इन अर्ली डिजाइन्स को देखो भाई, इसमें तो बिन के साथ ग्रैंडपा मैक्स भी पूरे ही तरीके से चेंज है। अरे अगर तुम लोगों को पिछले पार्ट की वीडियो याद होगी तो तुम्हें ये तो जरूर से पता ही होगा कि डोरेमोन के पायलट एपिसोड में भी एक पीला शर्ट और नीली टोपी वाला एक लंबू कैरेक्टर था जिसको कि सिर्फ पहले के कुछ एपिसोड में ही दिखाया गया था, जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के कानों की तरह गायब हो गया। अबे तो यार क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारे प्यारे दुलारे निठल्ले मिस्टर बीन क्या करते हैं? मतलब भाई उनके पास एक टेडी बियर है, रहने के लिए घर है, एक चलाने के लिए गाड़ी है, तो इन सब के खर्चों को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना उन्हें। मतलब भाई भाई ये बता, बच्चों में सोचता था कि कार्टून में लोग करते क्या है, हर टाइम मस्ती करते रहते, पैसे कहां से आते हैं अब पता लगेगा। तो करना पड़ता होगा ना उन्हें। मतलब भाई हमारे उछल कूद करने वाले मारियो को भी इस महंगाई में अपना गुजारा करने के लिए लंबर का जॉब करना पड़ता है, तो इस महंगाई में ऐसे ही गुजारा करने के लिए हमारे मिस्टर बीन क्या करते हैं? तो देखो अगर तुम मिस्टर बीन के एकदम तगड़े वाले फैन हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से तो ये पता चल ही गया होगा कि हमारे मिस्टर बीन लंदन नेशनल गैलरी के एक बहुत ही ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड हैं। हाँ, और इस बात को मिस्टर बीन की फर्स्ट 1997 की मूवी बीन में भी बताया गया था। वैसे थोड़ी देर के लिए आप जरा स्कूबीडो के इस वाले बिहाइंड द सीन के मीम को देखो। मे बी भाई अगर मूवीज की ही तरह कार्टून्स की भी शूटिंग होती होगी तो ये BTS तो सच में बहुत ही फनी है भाई। वही ना, ये देखो आगे से इट इज ऑल गुड, पीछे से ये क्या है भाई। मतलब अगर इसको ड्रॉइंग करना था सही से कर देते सीधा सीधा। ये देखो ऐसे पैर इधर है इसका, एक ऐसे है इसका, देखो इस लड़की का ये बैंगन कलर का पैर, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर किसी की टांग में फंसा हुआ है। इस लाल पैंट वाले को देखो, ये देखो ऐसे ऐसे। ये स्कूबीडो देखता था यार सुबह सुबह आता था कार्टून नेटवर्क के, भाई मजे आते थे। बट हमारे ऑगी के घर की बेस तो जरूर सही होगी भाई, इसमें इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां, इतने बड़े बड़े कमरे, इवन इसका बाथरूम भी इतना बड़ा है कि भाई इस छोटे से घर में तो होने से रहा पक्का इंटरनेट के इस मीम इमेज की ही तरह। या तो इसके घर में बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड है, नहीं तो भाई ये पूरा ही डोरेमोन के पॉकेट वाला घर है। भाई स्पेस की कोई कमी ही नहीं है। आइलैंड के कुछ एरियाज में जब बारिश नहीं हो रही थी तो वहाँ पर बारिश लाने के लिए पूजा जैसा कुछ रिचुअल किया गया, जिसमें रियल बिल्ली की जगह हमारे डोरेमोन को ही पिंजरे में कैद कर दिया गया था। अब भाई मॉडर्न जमाने में असली जानवरों पर तो अत्याचार नहीं कर सकते। और वैसे भाई सुनने को आ रहा है कि 28 मई के भाई ये सीरियस था क्या? रुकना, ओके ये किसने ट्वीट किया हुआ है? विद नो रेन फॉर सेवरल मंथ्स इन मेनी एरियाज ऑफ थाईलैंड एंड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव, अ रेन मेकिंग सेरेमनी वाज हेल्ड। ट्रेडिशनली अ रियल कैट वुड बी यूज्ड, बट इट सीम्स द लोकल डिसाइडेड ऑन डोरेमोन इंस्टेड, अ मॉडर्न ट्विस्ट अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी। ओ भाई ये एक्चुअल है, रियल भाई, नाइस। छोटा भीम, तो यार सबसे पहले तुम लोग ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज का ये ट्वीट देखो, जिसमें इन लोगों ने ये क्लियर करके कहा है कि हम वो स्टूडियो जो कि छोटा भीम को बनाते हैं, वो सभी को ये बताते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स लाइक छोटा भीम, चुटकी और इंदुमती अभी भी बच्चे हैं। और जो ये वायरल न्यूज चल रही है ना कि छोटा भीम ने इंदुमती से शादी कर लिया है, वो बिल्कुल ही फेक है। चलिए हम सब अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की लाइफ में ये लव मैरिज वगैरह नहीं लाते हैं, उनको मतलब शांति से जीने देते हैं। तो यार अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि 2020 में मीमर्स के
फनी इमेजेस के वजह से। लाइक लिटरली कई बच्चों ने ये सोच लिया था कि छोटा भीम का इंदुमती के साथ शादी हो गया है और उसने छोटी को धोखा दिया है। मतलब बेचारे ग्रीन गोल्ड को ये ट्वीट करना पड़ गया यार। भाई सीरियसली नहीं हुई क्या? मेरे को तो लगता था यार व्हाट द हेल कि भीम इंदुमती पे गिर गया। भाई ऐसा है नहीं क्या? लाइक सोचो ये बात कितनी ही फैली है कि एक्चुअल जो बनाते हैं ग्रीन गोल्ड उनको ऐसा ट्वीट करना बढ़िया है। डोरेमोन के हर एपिसोड में डोरेमोन को नोबिता की हेल्प करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता को बदलने के लिए आया है। और जहां तक देखा जाए तो डोरेमोन नोबिता की हेल्प करने के लिए हर एक गैजेट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता हमेशा स्कूल के लिए लेट क्यों हो जाता है? और अगर लेट हो भी जाता है तो फिर वो एनीवेयर डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? भाई एग्जैक्टली ये बचपन में मेरा सबसे बड़ा सवाल था। अब इसका आंसर है डोरेमोन नोबिता को एनीवेयर डोर यूज करने ही नहीं देता है, क्योंकि वो फ्यूचर से नोबिता की बुरी आदतों को सुधारने के लिए आया है, ना कि उसे बिगाड़ने के लिए। तो फिर उसको सारे गैजेट देता क्यों? वो जो मांगता है वो नहीं यार, वो देता नहीं है। वो एक्चुअली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नोबिता को मिल जाता है गैजेट, लाइक या तो वो रख के छोड़ जाएगा या फिर भूल जाएगा या फिर वो उसी पे कुछ ट्रिक कर देगा नोबिता। तो हाँ ठीक है ओके। ऑगी एंड द कॉकरोचेस शुरू से ही मशहूर कार्टून्स की लिस्ट में रहा है और आज भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस को स्टार्टिंग में देखा हुआ जाता है जितना कि पहले किया करते थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैक को ऑगी का सगा भाई दिखाया गया है, लेकिन अगर जैक और ऑगी सगे भाई हैं तो वे एक ही घर में रहने की बजाय अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। कार्टून्स के एनिमेटर्स का कहना है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी को लीड रोल में दिखाया गया है, इसलिए ऑगी के घर को सभी के घरों से अलग बनाया गया है। और अगर जैक भी ऑगी के साथ रहने लगता है तो उसे ऑडियंस का फोकस ऑगी की बजाय जैक पर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए जैक का घर ऑगी के घर से अलग बनाया गया है ताकि दोनों की अहमियत बराबर बने। अबे बराबर कैसे बनेगी इससे दोनों की अहमियत? इससे ऑगी की ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। बट ठीक है, इसका ये वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा जिसमें ऑगी और जैक को स्कूल में पढ़ते हुए दिखाया गया था। इस एपिसोड में जब उनकी टीचर जैक को एक सवाल सॉल्व करने को देती है तो जैक उसका आंसर नहीं दे पाता है और इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसके बाद ऑगी हाथ दिखाकर इस क्वेश्चन के आंसर की हिंट देने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी टीचर ने 5+5 का आंसर पूछा था, लेकिन ऑगी की चार उंगलियां होने के कारण उसका आंसर 10 की बजाय 8 हो गया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सभी कार्टून्स के क्रिएटर्स हर एक कार्टून्स की उंगलियों को चार ही क्यों बनाते थे? यहाँ तक कि मिकी माउस, स्पंज बॉब, टॉम एंड जेरी की उंगलियां भी चार ही रखी गई हैं। दरअसल ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एनिमेटर्स का कुछ और ही मकसद होता है। चार उंगलियां बनाने से कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है। दरअसल जब कार्टून्स को शुरू में एनिमेट किया गया था तब इनकी चार ही उंगलियां बनाई गई थी, क्योंकि 5 उंगलियां बनाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि उस समय में हाथों से ही कार्टून्स के स्केच बनाए जाते थे और हर एक करेक्टर की 5 उंगलियां बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता था और 5 उंगलियां दिखने में बहुत ज्यादा बड़ी भी लगती थी। इसलिए आज तक कार्टून्स की उंगलियों को कभी 5 नहीं किया गया, क्योंकि एनिमेटर्स 4 उंगलियों को जल्द लाइक 5 उंगलियां काफी ज्यादा लगेंगी, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो कार्टून है तो कार्टून में 4 उंगलियां चलेंगी भी एक बार, वो है ही कार्टून। तो 4 उंगलियां चलेंगी। मेरी मम्मी तो मेरे को चिढ़ाती थी यार कार्टून बोल के, मतलब इट्स नॉट अ गुड वर्ड यार। मेरे को ऐसा फील हो गया था बचपन में कि मेरी मम्मी को कार्टून बोल रही है और मेरी मम्मी को अच्छे तरीके से नहीं बोल रही, कुछ गलत उसमें ही बोल रही है। ये वाला सीक्रेट बहुत अमेजिंग है। देखो यार, वो निंजा हथौड़ी को तो हम सभी ने देखा है और जाहिर सी बात है उसके बॉडी पार्ट्स को भी देखा है, एक्सेप्ट ओनली वन, हिज हेयर्स। इसकी बात कर रहा था मैं। किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में नहीं बताया गया है। इवन एक एपिसोड में जब युमिको को हथौड़ी के हेयर के साथ मैगजीन के लिए फोटो लेनी होती है तब भी हथौड़ी अपना असली बाल किसी को नहीं दिखाता, और गाइस सभी फैंस के लिए बस एक ही रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, चाहे वो जिगरी यार हो या फिर बचपन का प्यार हो। अब जब इसी सीक्रेट को जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे तो ना के बराबर चीजें हाथ लगी, बट फॉर्चुनेटली कुछ जुगाड़ करने के बाद मुझे जापान की एक वेबसाइट से ये पता चला कि जब एक इंटरव्यू के दौरान फुजिको फुजियो से सेम क्वेश्चन किया गया था, फुजिको फुजियो इज क्रिएटर ऑफ निंजा हथौड़ी, बताया था कि अगर आप हथौड़ी के हुड को हटाओगे तो वो चिनमाकी, जिसे हम इंडिया में आवारा के नाम से जानते हैं, कुछ उसके जैसा ही दिखेगा। एंड गाइस, अगर आप हथौड़ी के पापा एंड निंजास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपको कहीं ना कहीं सही जरूर लगेगी। अबे इससे आंसर कैसे मिल गया मुझे? मैं तो बालों का आंसर लेने आया था। व्हाट? और निंजा हथौड़ी के पापा ये है ना, तो लेट्स अज्यूम कि निंजा हथौड़ी के बाल निंजा हथौड़ी के पापा जैसे होंगे, है ना? सिंपल, फालतू में दिमाग नहीं खपाना है अपना। देखो इसको भी नहीं पता है, इसने बताया नहीं ना सही से, इसको भी नहीं पता। गाइस अब निंजा हथौड़ी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले इस निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। तो विल गाइस, जब तक फुजिको फुजियो निंजा हथौड़ी के मांगा सीरीज पर काम कर रहे थे तब तक तो उन्हें इस बर्ड की न के बराबर जरूरत थी, पर जब मांगा से इंस्पायर्ड होकर निंजा हथौड़ी के एनिमे सीरीज को बनाया गया तो प्रोड्यूसर्स को एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट करना था जो सेगमेंट्स के बीच
में आकर आगे क्या होने वाला है उसको फनी वे में बता सके, जिसके लिए एटलास्टली उन्होंने इस निंजा बर्ड को सिलेक्ट किया। वैसे अब तक हिंदी डब्ड वर्जन में इसका शायद ही नाम बताया गया है, बट ओरिजिनल जापानीज एपिसोड्स में ये खुद को सोले कारो बताता है। यार आपने कभी गौर किया होगा या फिर नहीं, बट क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि जब से शिवासी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर गया है तब से ही डोरेमोन कबर्ड में ही सोता है। पर भाई क्यों? वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता था ना, जैसा वो करता है जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। तो यार जैसा कि हम जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर का एक रोबोट है और फ्यूचर में इवन रोबोट्स के भी अपने प्राइवेट रूम्स होते हैं लाइक डोरेमी, इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत से अपना एक प्राइवेट कमरा चाहिए था। बट नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना सपना ही रह जाता है, जिस कारण एटलास्टली वो अपना कमरा कबर्ड में ही बना लेता है। वेल गाइस, इस थ्योरी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जा चुका है कि डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जब नोबिता उससे ये बोलता है कि डोरेमोन अगर हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारा भी एक प्राइवेट कमरा होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। मैंने ये वाला एपिसोड देखा हुआ है, तो हो सकता है यही केस हो। क्या आप डोरेमोन में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसको टीवी पर डोरेमोन और नोबिता से भी ज्यादा दिखाया गया? नहीं विश्वास हो रहा है ना? चलो कोई नहीं, आप डोरेमोन के इस सीन में इस वाले कैरेक्टर को देखो। अरे भाई ये तो केनिजी के गुरुजी हैं। और ये कैरेक्टर सिर्फ डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में ही नहीं बल्कि परमैन कुटारो और अल्ट्रा बी जैसे बहुत से एनिमे शोज में आ चुके हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नूडल जैसे जापानीज डिश जिसे हम रामेन के नाम से जानते। यही सारी चीजें देख के ना मेरे को ऐसा बिलीव क्या ऐसा प्रूफ हो रहा है कि हाँ इन सबका क्रिएटर एक ही है। लेकिन ऐसा प्रूफ भी क्या हो रहा है, ऐसा सबको अब तो पता ही है, खाते रहते हैं। अब अगर आपने इन एनिमेज पर गौर किया होगा तो आपको ये समझने में जरा टाइम नहीं लगेगा कि इन सभी एनिमे जिसमें हम ये मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है उन एनिमेस को फुजिको फुजियो ने ही क्रिएट किया है। पर यार सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर है कौन और भाई क्यों फुजिको फुजियो ने इस कैरेक्टर को अपने सारे एनिमेस में रोल दिया है। तो गाइस इन अंकल का नाम है कायोके और जो इस कैरेक्टर के ओरिजिनल मॉडल है ना उनका नाम है सिनिची सुजुकी जो कि एक कायोके नाम के घर में रहा करते थे। और यार आपको ये बात फनी लगेगी बट ओरिजिनल इस कैरेक्टर का नाम सिनिची ही होने वाला था, बट आर्टिस्ट्स के बीच कंफ्यूजन के कारण इसका नाम सिनिची के घर के नाम पर पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो इस कैरेक्टर के बारे में ये भी है कि इस कैरेक्टर को रामेन खाना इतना ज्यादा पसंद था कि शादी के बाद भी ये कैरेक्टर सिर्फ रामेन ही खा रहा था। अब भाई आंटी भी कितना रामेन बनाएगी, हर चीज की लिमिट है ना, जिस वजह से इन आंटी को नारी सब पे भारी ये वाला स्वरूप इनको दिखाना पड़ा। और फिर एट द एंड इनको ओकेजनल ही रामेन खाने की परमिशन मिली #permission to eat ramen। और ये जो डोरेमोन वाला पिक्चर है ना वो उस वक्त का है जब डोरेमोन और नोबिता जल्दीबाजी में सबके घरों में घुसकर कहीं जा रहे थे। ओ हां ओके 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 भाई मेरे को ऐसे याद आ रही है चीजें क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर से बोलते हुए या फिर ऐसा स्टोरी में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा डोरेमोन के एपिसोड्स में। बाकियों में ये निंजा थोड़ी में उनका टीचर था तो हाँ। अब यार अगर हम डोरेमोन के मिस्ट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, सुजुकास फादर। ये डोरेमोन सीरीज के वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर पता है और अगर पता भी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। पहली बात तो ये डोरेमोन का सीरीज में बहुत कम ही नजर आते हैं और दूसरी बात कि अगर ये नजर भी आते हैं तो हर बार अलग अलग बॉडी शेप में। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखो और फिर इसको भी देखो, ये दोनों दो तीन भाई हो सकते हैं। देखो डोरेमोन के एपिसोड में सुजुका के फादर के तौर पर दिखाया गया है ना, काफी कंफ्यूजिंग बात। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इनका नाम है योशियो मिनामोटो और डोरेमोन के फैंस आज भी इस मिस्ट्री को जान नहीं पाए हैं। और यार वो सिर्फ डोरेमोन के एनिमीज में ही नहीं बल्कि फुजिको फुजियो के लिखे स्टोरीज में भी ये कभी मोटे नजर आते हैं तो कभी पतले, कभी मूंछों के साथ तो कभी बिना मूंछों के, जिस कारण बहुत से लोगों का तो ये तक मानना है कि सुजुका की मम्मी ने जरूर दूसरी शादी की होगी जिसकी वजह से बोला था मैंने हमें पुराने एपिसोड्स में ये और नए एपिसोड्स में इस फादर को दिखाया गया है। अच्छा अब अगर पेरेंट्स की भी मिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो यार वो नोबिता की मम्मी यानी मिसेज नोबी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यार मिसेज नोबी की जो मिस्ट्री है ना वो उनके आंखों में छुपी है, पता नहीं आपने शायद गौर किया होगा या फिर नहीं, बट जब भी शादी से पहले नोबिता की मॉम का चश्मा हटाते हुए दिखाया गया है तो उनकी आंखों को सरप्राइजिंगली बड़ी और सुजुका की ही तरह अट्रैक्टिव दिखाया गया है। बट यार शादी के बाद जब भी नोबिता की मॉम चश्मा हटाती है तो उनकी आंखों को ऐसा थ्री शेप जैसा दिखाया जाता है। वही ना भाई, तीन तीन ऐसे बना दिए, अब इसे ही बोल दो एनिमेटर्स को तो मेहनत नहीं करनी थी, तीन बना दिए दोनों आगों की जगह पे, बेकार लग रही है यार ये। यार ये लास्ट वाला पार्ट तो कोई मिस्ट्री नहीं है बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कार्टून से एनिमे से रिलेटेड है इसलिए आपको ये जरूर जानना भी चाहिए। हाल ही में रिसर्चर्स ने क्राफ्ट नाम का एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है जो आपका लिखे हुआ स्टोरी को अपने आप ही एनिमेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इस AI में जब फ्लिंस्टोन्स कार्टून का 25,000 क्लिप्स को डाला गया तो उसको एनालिसिस करने के बाद इस AI ने रिसर्चर्स के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से अपने आप ही फ्लिंस्टोन्स के नए कार्टून्स बना दिए। भाई मेरे को चाहिए कि हाँ ऐसी अपनी सारी वीडियोस डाल
डाल दू AI में है? फिर बस लिख दे रहा हूँ कि हाँ ये वाली वीडियो मिल जाए, फिर अपलोड कर रहा हूँ उसी तरह, रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं, बस लिख के वीडियो निकाल ले रहा हूँ और तुम्हें दे दे रहा हूँ। अरे ऐसे हो जाएगा तो फिर तुम ही डाल सकते हो यार, तुम ही मेरी सारी वीडियोस में डाल के फिर जो वीडियो तुम्हें चाहिए वो निकाल ले रहे हो, फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं रहेगी यार। नहीं 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 ऐसा नहीं होने देना भाई, ना 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 मैं बनाऊंगा सारी वीडियोस, मैं क्यों बैठा हूँ इधर, मेरे होते हुए तुम AI की वीडियो देखोगे हैं? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं हूँ यार अभी। तो हाँ यही था आज की वीडियो के लिए, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि ऑब्वियसली लगी है अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तो भाई बहुत सारे डाउट तो मेरे सही में क्लियर हो गए, लाइक बहुत सीक्रेट भी पता लगे। तो हाँ अगर तुम्हें इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं तुम लोग से मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।